हेलो एंड वेलकम टू स्टडी AQIS. माय नेम इज अमृत उपाध्याय एंड यू आर वाचिंग डेली न्यूज रिपोर्ट फॉर यूपीएससी. सो लेट्स स्टार्ट द बुलेटिन विद द हेडलाइंस. मुस्लिम वुमेन के राइट्स पर सुप्रीम कोर्ट ने दिया इंपॉर्टेंट डिसीजन. सभी डाइवोर्स्ड वुमेन को मिलेगी एलिमनी. कोर्ट ने कहा एलिमनी है सभी रिलीजन के मैरिड वुमेन का राइट. इंडिया मंगोलिया से इंपोर्ट करेगा कोल. अभी कोकिंग कोल के लिए इंडिया ऑस्ट्रिया के इंपोर्ट्स पर है डिपेंडेंट. कोकिंग कोल स्टील इंडस्ट्री के लिए नेसेसरी. और फाइनेंस कमीशन ने किया एक एडवाइजरी काउंसिल का गठन. कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है फाइनेंस कमीशन. यूपीएससी का प्रिपरेशन कर रहे हैं आप? तो क्या स्टडी AQIS के प्रीलिम्स टू इंटरव्यू बैच यानी P2I बैच के बारे में जानते हैं? देखिए, P2I बैच में मिलती हैं आपको 1000+ hours की लाइव क्लासेस, PT एंड मेंस टेस्ट सीरीज एंड क्रैश कोर्स, डेली करंट अफेयर्स एंड CSET क्लासेस. हर स्टूडेंट के लिए पर्सनल मेंटोर, डेली आंसर राइटिंग, PT पास करने पर MRP प्रोग्राम, जिसमें मिलेगा फ्री एकोमोडेशन फैसिलिटी मेंस रेसिडेंशियल प्रोग्राम में. ज्वाइन करना चाहते हैं तो अमृत लाइव कोड यूज कर 8th of July से शुरू हो रहे बैच में लीजिए एडमिशन. कुछ कन्फ्यूजन हो तो amrit@studyiq.com पर मेल कर दीजिए. आइए शुरू करें. सुप्रीम कोर्ट ने एक हिस्टोरिक डिसीजन दिया है. इस डिसीजन के अकॉर्डिंग डाइवोर्स्ड मुस्लिम वुमेन भी एलिमनी के लिए एंटाइटल्ड होंगी. एलिमनी का मतलब है गुजारा भत्ता. कोर्ट के अकॉर्डिंग CRPC के सेक्शन 125 के तहत डाइवोर्स्ड मुस्लिम वुमेन भी एलिमनी की मांग कर सकती हैं. बिफोर मूविंग अहेड विद द न्यूज, यू माइट बी कंफ्यूज दैट इंडिया तो CRPC यानी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 की जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता को एप्लीकेबल कर चुका है. तो फिर CRPC का रेफरेंस क्यों दिया जा रहा है? देखिए, इंडिया में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 1st of July से लागू है. 1st of July को या उसके बाद हुए क्राइम्स के लिए ही भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता एप्लीकेबल है, जबकि ये केस कोर्ट में फाइल किया गया है पहले. इस पर जजमेंट कल यानी 10th of July को दिया गया है. कोर्ट में जस्टिस वी नागरत्ना द्वारा लीड की गई बेंच ने एक मुस्लिम वुमेन के केस में ये डिसीजन दिया. कोर्ट में वुमेन के हस्बैंड के लॉयर ने यह आर्गूमेंट दिया कि मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स इन डाइवोर्स केसेस एक्ट 1986 लागू है और हेंस CRPC के सेक्शन 125 के तहत एलिमनी नहीं मांगी जा सकती. कोर्ट के अकॉर्डिंग एलिमनी हस्बैंड द्वारा किया गया कोई चैरिटी वर्क नहीं है, बल्कि एलिमनी मैरिड वुमेन का राइट है. कोर्ट ने यह क्लियर कर दिया कि सभी मैरिड वुमेन के पास गुजारा भत्ता यानी एलिमनी का राइट है. मैरिड वुमेन किस रिलीजन से है, किस रिलीजन को बिलोंग करती हैं, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता. कोर्ट ने यह भी कहा कि मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स इन डाइवोर्स केसेस एक्ट 1986 CRPC 125 जैसे सेक्युलर लॉ के ऊपर प्रिवेल नहीं कर सकता. CRPC 125 वाइफ, चिल्ड्रन एंड पेरेंट्स के रिगार्डिंग मेंटेनेंस की डिटेल्ड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है. गवर्नमेंट ने कोकिंग कोल के इंपोर्ट के रिगार्डिंग बड़ा डिसीजन लिया है. एक्चुअली इंडिया मंगोलिया से कोकिंग कोल इंपोर्ट करने का प्रिपरेशन कर रहा है. यह इंपोर्ट अभी ट्रायल बेसिस पर किया जाएगा. प्रेजेंटली इंडिया कोकिंग कोल के इंपोर्ट के लिए ऑस्ट्रेलिया पर डिपेंडेंट है. मंगोलिया से कोकिंग कोल इंपोर्ट करने की वजह से इंडिया इस मैटर में अपने ऑप्शंस को डाइवर्सिफाई कर पाएगा. वी ऑल नो दैट कोल इज ऑलरेडी फाउंड इन इंडिया, बट इंडिया में प्रोड्यूस होने वाले कोल में सल्फर कॉन्टेंट इज वेरी हाई. कोकिंग कोल जिसकी रिक्वायरमेंट स्टील बनाने के लिए होती है, बट कार्बन इज प्रेजेंट इन वेरी हाई अमाउंट इन दिस कोल. इंडिया अपने 70% कोकिंग कोल इंपोर्ट्स के लिए ऑस्ट्रेलिया पर डिपेंड करता है. कोकिंग कोल स्टील इंडस्ट्री के लिए एक क्रिटिकल रॉ मटेरियल है. अब इतनी इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री के लिए रॉ मटेरियल पर सिर्फ एक कंट्री पर डिपेंडेंट होना स्टेबल वे नहीं माना जाएगा. एंड बिकॉज ऑफ दिस रीजन इंडिया मंगोलिया से कोकिंग कोल इंपोर्ट करने का ट्रायल प्लान कर रहा है. However, अभी बताना डिफिकल्ट होगा कि ये ऑप्शन कितना फिजिबल है. यू ऑलरेडी नो दैट मंगोलिया इज ए लैंडलॉक्ड कंट्री, सो चाइनीज पोर्ट्स के थ्रू ये कोल इंडिया इंपोर्ट करना होगा. वी ऑल अंडरस्टैंड दैट इंडिया एंड चाइना के रिलेशंस 2020 से ही बहुत ही खराब चल रहे हैं. तो मंगोलिया से इंपोर्ट का कोई दूसरा रूट फाइंड नहीं किया जाता अगर, तो इस ऑप्शन को ज़्यादा प्रेफरेंस मिलना पॉसिबल नहीं होगा. अमंग फॉसिल फ्यूल्स, कोल इंडिया में पाया जाने वाला एक इंपॉर्टेंट रिसोर्स है और इंडिया में कोल अबेंडेंस में पाया जाता है. इंडिया अपनी एनर्जी नीड्स के लिए 55% तक कोल पर डिपेंडेंट है. कोल एक सेडिमेंट्री रॉक है. इसका फॉर्मेशन मिलियंस ऑफ ईयर्स तक सॉयल के नीचे बरिड प्लांट रिमेन्स पर जियोलॉजिकल प्रेशर पड़ने की वजह से हुआ. इंडिया में कोल के कई टाइप्स पाए जाते हैं. वन ऑफ देम इज एंथ्रेसाइट. एंथ्रेसाइट इज अ हाई ग्रेड कोल. इसमें कार्बन का परसेंटेज काफी हाई है. This is the coking coal which is used in making steel.
इंडिया में ये स्मॉल क्वांटिटीज में है जम्मू एंड कश्मीर में, एंड बिकॉज ऑफ इट्स वेरी लेस प्रेजेंस इंडिया को इम्पोर्ट पर डिपेंड होना पड़ता है। सेकेंड टाइप इज बिटुमिनस, इट इज़ अ मीडियम ग्रेड कोल। इंडिया में इसका यूटिलाइजेशन इलेक्ट्रिसिटी के प्रोडक्शन के लिए होता है। झारखंड, ओडिशा, वेस्ट बंगाल एंड मध्य प्रदेश में ये पाया जाता है। एंड थर्ड टाइप इज लिग्नाइट, ये एक लो क्वालिटी कोल है, इसमें कार्बन कंटेंट नेग्लिजिबल है। इंडिया में लिग्नाइट कोल राजस्थान, तमिलनाडु एंड जम्मू एंड कश्मीर में पाया जाता है। रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इंडिया रशिया की 22nd एनुअल मीटिंग के लिए रशिया गए थे। इंडियन प्राइम मिनिस्टर अब ऑस्ट्रिया पहुंच गए हैं। लास्ट 40 ईयर्स में किसी भी इंडियन प्राइम मिनिस्टर की ये पहली ऑस्ट्रिया विजिट है। लास्ट टाइम 1983 में फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी ऑस्ट्रिया गई थी। आई विल फर्स्ट डिस्कस सम इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ रशिया विजिट, देन हम प्राइम मिनिस्टर की ऑस्ट्रिया विजिट की बात करेंगे। इंडिया एंड रशिया ने 2030 तक बायलेटरल ट्रेड को $100 बिलियन तक इंक्रीज करने का टारगेट सेट किया है। दोनों कंट्रीज की नेशनल करेंसीज में ये ट्रेड की जाएगी। इट इज़ नोटवर्दी दैट बिकॉज ऑफ इट्स डिस्प्यूट विथ यूक्रेन, वेस्टर्न कंट्रीज ने रशिया पर ऑलरेडी काफ़ी सैंक्शंस इम्पोज किए हुए हैं। ऐसी सिचुएशन में अगर नेशनल करेंसीज में इंडिया रशिया के बीच ट्रेड होगा तो रशिया पर इन सैंक्शंस का जो इम्पैक्ट है वो रिड्यूस हो पाएगा। दोनों कंट्रीज के द्वारा इशू किए गए ज्वाइंट स्टेटमेंट में ये कहा गया है कि रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट का यूएन चार्टर के बेसिस पर इंटरनेशनल लॉ के थ्रू एक पीसफुल रिजोल्यूशन होना चाहिए। बट इंडिया एंड रशिया के इस मीटिंग पर यूएसए एंड यूक्रेन के रिएक्शन में क्लियर डिस्प्लेजर देखने को मिल रहा है। यूक्रेन इस मीटिंग को पीसफुल रिजोल्यूशन के लिए नुकसान के तौर पर कंसिडर करता है। वहीं इंडिया एंड रशिया की ये मीटिंग ऐसे टाइम में ऑर्गेनाइज हुई जब यूक्रेन ने रशिया को चिल्ड्रन हॉस्पिटल पर मिसाइल अटैक के लिए रिस्पॉन्सिबल बताया है। इसके अलावा यूएसए ने भी इंडिया रशिया रिलेशंस पर अपना कंसर्न एक्सप्रेस किया। यू शुड ऑल्सो अंडरस्टैंड दैट इंडिया एंड रशिया के बीच क्लाइमेट चेंज, पोलर रिसर्च, लीगल आर्बिट्रेशन एंड फार्मास्यूटिकल सर्टिफिकेशन को लेकर एमओयूज साइन हुए हैं। इंडिया एंड रशिया ब्रिक्स में भी एक साथ हैं। नाउ देयर इज वन क्वेश्चन फॉर यू, वेयर विल द ब्रिक्स एनुअल कॉन्फ्रेंस 2024 बी हेल्ड? लेट्स कम टू द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीज ऑस्ट्रिया विजिट। इंडिया एंड ऑस्ट्रिया के डिप्लोमेटिक रिलेशंस की फाउंडेशन 1949 में रखी गई थी। इस साल दोनों ही कंट्रीज के डिप्लोमेटिक रिलेशंस की ये 75th एनिवर्सरी है। दोनों कंट्रीज के बीच रिन्यूएबल एनर्जी, स्टार्टअप्स, एडवांस टेक्नोलॉजी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे इश्यूज फोकस में रहे हैं। वी मस्ट कीप इन माइंड दैट ऑस्ट्रिया रिन्यूएबल एनर्जी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर के एरियाज में एक लीडिंग कंट्री है। 16th फाइनेंस कमीशन ने एक 5-member एडवाइजरी काउंसिल को कॉन्स्टिट्यूट किया है। इस काउंसिल का पर्पस फाइनेंस कमीशन को टर्म्स ऑफ रेफरेंस के इशू पर एडवाइस देना है। बिसाइड दिस पर्पस रिसर्च पेपर्स प्रिपेयर करने में भी कमीशन को हेल्प मिलेगी। इसके अलावा ये काउंसिल फाइनेंस कमीशन को फिस्कल डिवीजन के मैटर्स में इंटरनेशनल लेवल पर प्रेवलेंट प्रैक्टिसेस पर भी एडवाइस देगा। नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च के डायरेक्टर जनरल पूनम गुप्ता इस काउंसिल की कन्वेनर होंगी। अर्न्स्ट एंड यंग EY के चीफ पॉलिसी एडवाइजर DK श्रीवास्तव, एक्सिस बैंक के चीफ इकोनॉमिस्ट नीलकंठ मिश्रा, HSBC के चीफ इंडिया इकोनॉमिस्ट प्रांजुल भंडारी एंड बैंक ऑफ अमेरिका के इंडिया हेड राहुल बजोरिया इस काउंसिल के मेंबर्स हैं। फाइनेंस कमीशन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 280 के तहत एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। इन एवरी 5 ईयर्स प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फाइनेंस कमीशन को कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। कमीशन अपनी रिपोर्ट प्रेसिडेंट को सबमिट करती है। इस कमीशन का काम सेंटर एंड स्टेट्स के बीच टोटल टैक्सेस के डिवीजन को रिकमेंड करना है। स्टेट्स को दिए जाने वाले ग्रांट्स एंड एड्स के रिगार्डिंग भी ये कमीशन अपनी रिकमेंडेशंस देती है। फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशंस एडवाइजरी होती हैं। गवर्नमेंट के ऊपर इन रिकमेंडेशंस को इंप्लीमेंट करने की कोई ऑब्लिगेशन नहीं है। फिस्कल फेडरलिज्म को बैलेंस करने में फाइनेंस कमीशन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। फाइनेंस कमीशन को यूनियन एंड स्टेट्स के बीच टैक्सेस से आने वाली नेट इनकम को डिस्ट्रीब्यूट करवाना होता है। फाइनेंस कमीशन सजेस्ट करती है कि इसमें स्टेट्स को कितना शेयर दिया जाना है। इसके अलावा स्टेट फाइनेंस कमीशन द्वारा की गई रिकमेंडेशंस के बेसिस पर स्टेट में पंचायत्स एंड म्यूनिसिपैलिटीज के रिसोर्सेज के लिए स्टेट के कंसोलिडेटेड फंड को इंक्रीज करने के लिए नेसेसरी मेजर्स भी सजेस्ट करने होते हैं। 16th फाइनेंस कमीशन को डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के तहत कॉन्स्टिट्यूट हुए फंड्स के रिस्पेक्ट में किए गए एलोकेशंस को भी रिव्यू करना है। यू शुड नो दैट द फर्स्ट फाइनेंस कमीशन वॉज फॉर्म्ड इन 1951। KC नियोगी इसके प्रेसिडेंट थे। इट इज नोटवर्दी दैट सेंट्रल गवर्नमेंट ने 16th फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन की पोजीशन पर नीति आयोग के फॉर्मर वाइस चेयरमैन अरविंद पनगरिया को अपॉइंट किया है।
ऋत्विक रंजनम पांडे को इस कमीशन का सेक्रेटरी अपॉइंट किया गया है। 16th फाइनेंस कमीशन अपनी रिपोर्ट 31st of October 2025 तक सबमिट करेगी। नाउ इट्स टाइम टू सी द टर्म ऑफ द डे। टर्म ऑफ द डे में आज है ज़ेनोफोबिया। ज़ेनोफोबिया का लिटरल मीनिंग होता है फियर ऑफ एन अननोन पर्सन फ्रॉम ए फॉरेन कंट्री। यहां फियर का मतलब यह है कि पहले से ही ये बिलीव करना कि दूसरी कंट्री का पर्सन हमारे कल्चर एंड आइडेंटिटी को थ्रेटन कर सकता है। इसे ऐसे समझिए कि जब फॉरेनर्स इंडिया आते हैं और यहां काम करने लगते हैं तो इंडियंस को यह फील होगा कि फॉरेनर्स इंडियन कल्चर एंड आइडेंटिटी को डोमिनेट कर रहे हैं। ड्यू टू दिस कंट्री में ऐसा एनवायरमेंट क्रिएट हो जाएगा कि फॉरेनर्स यहां काम नहीं कर पाएंगे। आइए देखें रैपिड न्यूज में क्या है खास। सुकिंदा वैली के ग्राउंड वाटर में क्रोमियम पॉल्यूशन इंक्रीज होता जा रहा है। एनजीटी यानी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के ऑर्डर्स पर फॉर्म हुई ज्वाइंट कमेटी ने इस पर अपनी रिपोर्ट प्रेजेंट की है। इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग सुकिंदा वैली में 9 प्लेसेस पर लिए गए ग्राउंड वाटर सैंपल्स में क्रोमियम प्रेजेंट था। यू शुड नो दैट अराउंड 97% ऑफ इंडियाज क्रोमाइट ओर रिजर्व्स आर इन सुकिंदा वैली इन ओडिशा। ये वर्ल्ड की लार्जेस्ट ओपन कास्ट क्रोमाइट ओर माइंस में से एक है। ड्यू टू दिस रीजन यहाँ सरफेस वाटर एंड ड्रिंकिंग वाटर में क्रोमियम की प्रेजेंस के एविडेंस मिलते हैं जो नेशनल एंड इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के डबल से भी ज्यादा है। PMSTISEC यानी प्राइम मिनिस्टर साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन एडवाइजरी काउंसिल की 25th मीटिंग ऑर्गेनाइज हुई। इस मीटिंग में इंडिया में कार्बन कैप्चर के यूज एंड स्टोरेज के साथ कार्बन क्रेडिट पर भी डिस्कशन हुआ। ये इसलिए भी इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि इंडिया ने 2030 तक एमिशन इंटेंसिटी में 45% रिडक्शन का टारगेट सेट किया है। 2070 तक नेट जीरो अचीव करने का गोल भी सेट किया गया है। यहाँ कार्बन कैप्चर का मतलब कार्बन डाइऑक्साइड को कैप्चर एंड स्टोर करना है। इसे कॉमनली सीमेंट पावर एंड स्टील प्लांट्स जैसे इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट्स में अप्लाई किया जाता है। यू शुड ऑल्सो नो दैट कार्बन क्रेडिट एक ट्रेडेबल सर्टिफिकेट होता है और ये सर्टिफिकेट उन प्रोजेक्ट से ऑब्टेन होता है जहां किसी ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी ने ग्रीन हाउस गैस एमिशंस में रिडक्शन किया। आनंद मैरिज एक्ट के तहत सिख मैरिजेस के रजिस्ट्रेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन पर डिस्कस करने के लिए एक मीटिंग ऑर्गेनाइज हुई। इस मीटिंग को नेशनल माइनॉरिटीज कमीशन ने ऑर्गेनाइज किया। आनंद मैरिज एक्ट एक ऐसा लॉ है जो सिख्स को एक सेपरेट एक्ट के तहत अपनी मैरिजेस को रजिस्टर करने की परमिशन देता है। ये सिख मैरिज सेरेमनी जिसे आनंद कारज कहा जाता है उसे रिकॉग्निशन या मान्यता देता है। आनंद मैरिज एक्ट की हिस्ट्री 1909 से शुरू होती है जब ब्रिटिश इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ने सिख मैरिज सेरेमनी आनंद कारज को रिकॉग्नाइज करने के लिए एक लॉ पास किया था। 2012 में पार्लियामेंट ने आनंद मैरिज अमेंडमेंट 2012 पास किया जिसके तहत सिख ट्रेडिशनल मैरिजेज वर ब्रॉट अंडर द एम्बिट ऑफ लीगल रिकॉग्निशन। इन मैरिजेस के रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड रूल्स बनाने का काम डिफरेंट स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज को असाइन किया गया है। सेंट्रल गवर्नमेंट क्लासिकल लैंग्वेज का स्टेटस देने के क्राइटेरिया को चेंज करने का विचार कर रही है। ये चेंज यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर की लिंग्विस्टिक एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट के बेसिस पर किया जा सकता है। इंडिया में 6 लैंग्वेजेस को क्लासिकल लैंग्वेज का स्टेटस मिला हुआ है। ये लैंग्वेजेस हैं तमिल, संस्कृत, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम एंड उड़िया। At present, following criteria is set for declaring a language as a classical language. First criteria is that उस language के early texts की history 1500 से 2000 years से ज़्यादा पुरानी होनी चाहिए। Second criteria is उस language के literature या text का एक part ऐसा हो जिसे आने वाली generations valuable heritage consider करती हैं। Next criteria ये है कि उस language के literary tradition में originality होनी चाहिए। एंड लास्ट क्राइटेरिया इज दैट क्लासिकल लैंग्वेज एंड लिटरेचर मॉडर्न लैंग्वेज एंड लिटरेचर से डिफरेंट होनी चाहिए। नाउ लेट्स टॉक अबाउट लिंग्विस्टिक एक्सपर्ट कमेटी। इस कमेटी में यूनियन होम मिनिस्ट्री एंड कल्चर मिनिस्ट्री के रिप्रेजेंटेटिव्स के अलावा 4 to 5 लैंग्वेज एक्सपर्ट्स भी होते हैं। इस कमेटी को साहित्य अकादमी के प्रेसिडेंट प्रिजाइड करते हैं। बिम्स्टेक फॉरेन मिनिस्टर्स की सेकेंड मीटिंग आज यानी 11th of July को दिल्ली में स्टार्ट होगी। यूनियन मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स एस जयशंकर इस इवेंट को होस्ट करेंगे। इस मीटिंग को बे ऑफ बंगाल रीजन एंड कोस्टल एरियाज में सिक्योरिटी, कनेक्टिविटी, ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पर डिस्कशन करने के लिए ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। इसकी वजह से वेरियस फील्ड्स में कोऑपरेशन को ब्रॉड और डीप किया जाएगा। बिम्स्टेक फॉरेन मिनिस्टर्स की फर्स्ट मीटिंग बैंकॉक थाईलैंड में ऑर्गेनाइज हुई थी
बिम्स्टेक का फुल फॉर्म है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। ये एक रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें 7 साउथ एंड साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज शामिल हैं। बिम्स्टेक को 6 जून 1997 को बैंकॉक डिक्लेरेशन की साइनिंग के साथ एस्टैब्लिश किया गया था। नाउ इट इज टाइम फॉर क्वेश्चन बेस्ड ऑन द बुलेटिन। फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेजेस डज नॉट हैव द स्टेटस ऑफ अ क्लासिकल लैंग्वेज। मराठी, संस्कृत, मलयालम और कन्नड़। एंड द सेकेंड क्वेश्चन इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। कोल फाउंड इन इंडिया हैज वेरी हाई कार्बन कंटेंट। इंडिया इज डिपेंडेंट ऑन डोमेस्टिक सप्लाइज फॉर कुकिंग कोल। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट और स्टेटमेंट्स फ्रॉम द अबव। ओनली वन, ओनली टू, बोथ वन एंड टू, नेदर वन नॉट टू। Now let's jump on the answers of the questions which were asked in previous bulletin. First question was, consider the following statements related to Madho National Park. Sankhya Sagar Lake is located in Madho National Park. George Castle in Madho National Park was built in 1911 for King George V of the United Kingdom. Select the correct option based on the above statements. Statement 1 is correct, statement 2 is correct, both are correct or both are wrong. Correct answer is option C, both statements are correct. And the second question was, recently the government of India has decided to open new consulates at which two places in Russia? Kazan and Yekaterinburg, St. Petersburg and Vladivostok, Leningrad and Volgograd, Moscow and Yekaterinburg. And the correct answer is option A, Kazan and Yekaterinburg. तो आज इस बुलेटिन में इतना ही। कल मॉर्निंग 9 AM फिर से आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए। टू गेट द PDF ऑफ दिस बुलेटिन फॉलो मी ऑन अमृत उपाध्याय 007 इन टेलीग्राम। गुड बाय।